लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने महादेव सट्टा ऐप का भंडाफोड़ किया है। बुधवार को पुलिस ने इससे जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बैंक खातों से 28,76,00,000 जमा और 25,51,00,000 रुपए का आहरण किया था। चारों आरोपी टपकरा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। वहीं पुलिस ने सट्टा ऐप के 3,24,77,000 रुपए को फ्रीज कराया है। बाप बेटे समेत 2 आरोपियों ने ग्रामीणों के 95 बैंक खाते से 124 एटीएम कार्ड से करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की थी। आरोपियों के पास से 2,30,000 रुपए नगद, कई बैंकों के एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, बैंक का सी सिम कार्ड समेत पासपोर्ट पुलिस ने जब्त किया है। सर, महादेव ऐप के तार जशपुर से जुड़ गए हैं, क्या कार्रवाई की? प्रार्थी लकड़ा के द्वारा, विकास लकड़ा के द्वारा ये हमें सूचना दी गई थी कि यहाँ पे आरोपी मनोज ताम्रकार और उसके 2 बेटों के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पे उससे खाता खुलवाया गया और उसको उसके खाते में अवैध तरीके से पैसे का संचालन किया जा रहा था। इस शिकायत की जांच पुलिस के द्वारा किया गया और जब पुलिस के द्वारा जांच किया गया और तलाशी ली गई तो अभी तक 17 बैंक अकाउंट के 95 खातों के माध्यम से और 124 एटीएम इनके पास से जब्त किया गया और 28,75,99,000 रुपये का ट्रांजेक्शन उसमें मिला है, जिसमें अभी 3,24,00,000 रुपये को हम लोग फ्रीज करा रहे हैं और इनके पास से 2,30,000 रुपये नगद भी जब्त किए हैं, एटीएम कार्ड, ये सारी चीज़ों को जब्त किया गया है। और इनके जो मॉडस ऑपरेंडी थी कि यहाँ के भोले भाले लोगों को बरगला कर किसी अन्य कारण से नौकरी लगाने या सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पे खाते खुलवाए गए और इन खातों के माध्यम से बड़ी संख्या में जो खाते थे जो बीच की कड़ी थे महादेव ऐप के, उन लोगों को एटीएम कार्ड और पिन नंबर दे दिया गया और वो लोग वहाँ बैठकर इनके खातों को संचालन कर रहे थे और अवैध रूप से यहाँ पे पैसों का आवागमन हो रहा था। इनके खिलाफ में 420-34 पुलिस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं और विवेचना में आने वाले दिनों में इस मामले के जो और अगली कड़ी है उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्लिपर 28।